सिक्योरिटी प्रोफेशन में काम करते हुए हम आगे कैसे पहुंचेंगे? आप लोग अभी कौन से पोस्ट में हो? सिक्योरिटी पोस्ट में हो। सिक्योरिटी से ऊपर का लेवल पोस्ट होता है हेड सिक्योरिटी। कौन सा सिक्योरिटी? हेड सिक्योरिटी। हेड सिक्योरिटी का काम होता है काम करते हुए, मतलब आपका जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को करते हुए टोटल मतलब यूनिट को मेंटेन करना। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर का लेवल का पोस्ट होता है सुपरवाइजर। कौन सा? सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर क्या काम करता है? उसके अंडर में जितना भी एज ए गार्ड एज ए सिक्योरिटी काम कर रहे हैं उनको मेंटेन करने के साथ पूरा यूनिट को वो देखता है। जो कोई भी प्रॉब्लम होता है उसे यूनिट का टोटल वो संभालता है। ठीक है, उसके ऊपर का पोस्ट होता है ASO। कौन सा? ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। उसका काम होता है उसके अंडर में जितना भी यूनिट है वो यूनिट को टोटल संभालता है। उसके ऊपर होता है SO। क्या होता है? SO यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर। समझ में आ रहा है? पहला आता है सिक्योरिटी, ठीक है, सेकंड आता है सिक्योरिटी हेड या फिर हेड सिक्योरिटी, थर्ड आता है सुपरवाइजर, फोर्थ आता है क्या? ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, नेक्स्ट आता है SO। उसके ऊपर भी और पोस्ट है जैसे कि फील्ड ऑफिसर है, एरिया ऑफिसर है, ऑपरेशन मैनेजर है, ऑपरेशन हेड है, बहुत सारा पोस्ट है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोफेशन में ये आगे आपको प्रमोशन होने वाला है, लेकिन आप टिकोगे तब। जब नहीं टिकोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, और ये चीज़ एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, आज की डेट में सिक्योरिटी की मांग कहाँ कहाँ पर है? ऑलवेज सारे जगह में है कि नहीं है? है ना, जैसे कि मान लो बहुत सारा पर्सन बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। वहाँ पे अगर वो लोग 5 साल भी काम करके जब रिटर्न अपने गांव देहात में आते हैं, उसी टाइप का काम उन्हें मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं मिलता। मतलब जैसे गए थे वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी प्रोफेशन में एटलीस्ट साल भर या फिर 1.5 साल तक काम किए हो तो 100% आपके गांव देहात में भी आपको काम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी की मांग आज की डेट में सारे जगह में है कि नहीं है? जैसे कि कौन कौन से जगह में सिक्योरिटी की मांग होता है, पहला आता है स्कूल कॉलेज में सिक्योरिटी होते हैं, सेकंड आता है प्लांट या फिर फैक्ट्री या फिर कंपनी होते हैं, फोर्थ आता है हॉस्पिटल होता है, मल्टीनेशनल कंपनी होता है कि नहीं होता है? आज की डेट में बहुत सारा जगह में, यानी बहुत सारे जगह में तो होता है, और मैं बहुत सारा जगह में देखा हूँ अपने घर में भी सिक्योरिटी को रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि एक पर्सन अगर उसके सामने में सिक्योरिटी दे रहा है तो वो लोग सेफ में अंदर में रह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सिक्योरिटी की जो मांग होती है वो कंपनियां या फिर हॉस्पिटल या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? होता है। तो वहाँ पे हमें किस प्रकार से काम करना है तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला सिक्योरिटी प्रोफेशन में आपका प्रमोशन भी होगा, पहला सिक्योरिटी, सेकंड हेड सिक्योरिटी, नेक्स्ट सुपरवाइजर। लेकिन ये प्रमोशन लेने के लिए हमें किस प्रकार से काम करना पड़ेगा ये जानना इम्पोर्टेंट है या नहीं? हम लोग तो काम कर रहे हैं, किसी पर्सन को 6 महीना हो गया, किसी पर्सन को साल भर भी हो गया, लेकिन आगे हम नहीं बढ़ रहे क्या? नहीं बढ़ रहे। डिपेंड कर रहा है अपना एक्सपीरियंस, डिपेंड कर रहा है आप जिस यूनिट में काम कर रहे हैं उसी यूनिट में आपको मतलब प्रमोशन देने के लिए वो लेवल का पोस्ट है या नहीं है, ये भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग मतलब प्रमोशन के लिए अच्छे तरीके से काम करेंगे तो 100% आपको वहाँ पर ही प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन काम करोगे तब। अगर सामने वाला नहीं देता है तो हम लोग आपको करके देंगे, लेकिन अच्छे काम करोगे आपके नाम पर कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा तब जाके मिलेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोफेशन में आपको कौन कौन सा क्वालिटी मेंटेन करोगे तब जाके आपका प्रमोशन होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी प्रोफेशन में टाइम पंचुअलिटी। जितना भी जगह में हम लोग देखते हैं कहाँ पर भी मेंटेन होता ही नहीं है। जैसे कि आपका शिफ्ट टाइमिंग, जितने भी लोगों का 12 घंटे का होता है वो लोगों का 8 बजे स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। और जितने भी पर्सन का 8 घंटे का ड्यूटी है उन लोगों का ए शिफ्ट स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे, यानी कि ए शिफ्ट से होता है। टाइम पर पहुंचते हो? नहीं पहुंचते हो। सबसे पहला मिस्टेक यही है। ठीक है, टाइम पे अगर पहुंचोगे तो सामने वाला भी आपको रिलीव करेगा,
इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी हम किसको कहते हैं, सिक्योरिटी का एक्चुअल में काम क्या होता है। जब भी आपको कोई भी पर्सन अगर पूछे आपका काम, तो आपको क्या आंसर देना है, एक ही पॉइंट में, एक ही वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। सिक्योरिटी का उड़िया मीनिंग या फिर हिंदी मीनिंग होता है सुरक्षा कर्मी या फिर सुरक्षा गार्ड। क्या होता है? सुरक्षा कर्मी या फिर सिक्योरिटी, सुरक्षा कर्मी या फिर सुरक्षा गार्ड, ठीक है। तो मतलब जो आपका डिजिग्नेशन है वहां से ही पता चल रहा है आपका काम क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सुरक्षा देना। क्या होने वाला है? सुरक्षा देना। आप थोड़ा माइंड में भी सोचिए, हम लोग, आप लोग जितना भी यूनिट में काम करते हैं वो टोटल काम वो इस सुरक्षा के अंडर में ही जाता है, जाता है, नहीं जाता है? जाता है। तो सिक्योरिटी के डेफिनेशन में अगर बोलूं तो किसी भी संस्था या फिर सोसाइटी में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, पहला खुद, समझ में आ रहा है, पहला खुद अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जान माल और प्रॉपर्टी को जो कोई भी पर्सन सुरक्षा देते हैं उन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई भी संस्था या फिर सोसाइटी, संस्था यानी कि जितना भी कंपनी हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, हॉस्पिटल वगैरह सब आ जाता है, या फिर सोसाइटी, खुद को, पहले खुद को याद रखना, कोई कहाँ पर आग लगा है तो आग में जाकर कूदना नहीं है, पहले खुद को, ठीक है, खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ जान माल और प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ को याद रखना, जान माल और प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ को हमें प्रोटेक्शन देना है। और इन तीनों चीज़ को जो कोई पर्सन प्रोटेक्शन देता है उन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, ठीक है। जब कभी भी कोई पर्सन अगर आपको पूछता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड हम किसको कहते हैं, मान लीजिए आप आज CSS छोड़ दिए, कोई दूसरी कंपनी में जाके ज्वाइन किए, फॉर एग्जांपल मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा, जाके छोड़ दिए, ज्वाइन किए, वहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू होता है तो वो सामने वाला 100% आपको पूछेगा आप काम किए हैं, जितने भी दिन काम किए हैं, तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपका क्या काम होता है। तो आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है प्रोटेक्शन देना या फिर सुरक्षा देना। क्या करना है? प्रोटेक्शन देना या फिर सुरक्षा देना। आपको ये आंसर देना नहीं है कि हम गेट खोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत सारे आदमी आते हैं ऐसे बोलते हैं, मेरे पास, हमारे पास बहुत सारे पर्सन आते हैं, एटलीस्ट साल भर किया, 10-10 साल का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका वर्ड आता है, हम लोग सर वही पर रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, वही पर कोई अगर आते थे उन्हें रोकते थे, अंदर पूछते थे, तब जाके उनको एंट्री करते थे। ये सारा जितना भी काम है वही प्रोटेक्शन के अंदर ही जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? सुरक्षा मतलब टोटल काम को सुरक्षा बोलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का डेफिनेशन होता है कोई भी संस्था या फिर सोसाइटी में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जान माल और प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ को हमें सुरक्षा देना है, उन्हें हम सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटी गार्ड का डेफिनेशन। अब आते हैं हम अपने अंदर क्या क्या क्वालिटी मेंटेन करेंगे तब जाके हमारा ऊपर, हम, हमारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला है टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम का परफेक्ट ध्यान देकर ड्यूटी करना है हमें, ठीक है। परफेक्ट टाइम में ड्यूटी पोस्ट में पहुंचना है। अगर कभी आपको हम किस नज़र से देखेंगे, ये पर्सन टाइम का पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक डीमेरिट हो जाएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। सेकंड आता है अलर्टनेस। क्या? अलर्टनेस। आप जब भी कभी कहाँ पर भी ड्यूटी करते हैं तो ऑलवेज अलर्ट रहकर ड्यूटी करना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो कैसे अलर्ट रहते हैं, कैसे अलर्ट रहते हैं ड्यूटी पोस्ट में, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही अलर्ट है। समझ में आ रहा है? कैसे सॉल्व करेंगे अब हम बात करेंगे। जैसे कि मान लो अधिकतर ड्यूटी गेट में होता है, होता है कि नहीं होता है? जितना भी सिक्योरिटी हैं ज़्यादातर सिक्योरिटी का गार्ड का ड्यूटी गेट में होता है। और बड़े बड़े यूनिट में क्या होता है, अंदर अंदर में सेकेंड गेट होता है, ऑफिस में वर्क होता है, बहुत सारा जगह में ऐसे है। लेकिन जो छोटा छोटा पॉइंट है, छोटा छोटा यूनिट है, वहाँ पे हम लोगों का ड्यूटी जो है गेट में होता है। तो जितना भी प्रॉब्लम आता है या फिर जितना भी जो कुछ भी होता है गेट में ही होता है, गेट में होता है। तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहकर ड्यूटी करना पड़ता है। और हमारा जो मोबाइल है ना ऑलवेज ऑन होना चाहिए, कभी भी स्विच्ड ऑफ या फिर साइलेंट ड्यूटी के दौरान, ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम मीटिंग में हो मोबाइल साइलेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ठीक है। जब कभी भी मैं मीटिंग ले रहा हूँ या फिर आपका SO मीटिंग ले रहे हैं या फिर आपका जो वहाँ पे HR हैं या फिर आपका जो ओनर है, जो कोई मीटिंग ले रहे हैं,
ऑलवेज विश्राम पोजिशन में मोबाइल को साइलेंट करके या फिर स्विच ऑफ करके मीटिंग अटेंड करना है, ठीक है। तो अलर्ट कैसे रहेंगे, जब कभी भी हमें ड्यूटी दिया जाता है ड्यूटी में अलर्ट रहकर ड्यूटी करना है। जैसे कि हम लोग ऑलवेज अलर्ट रहते हैं, कभी भी आपका कॉल आता है तो तुरंत रिसीव होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर रिसीव नहीं भी होता, मान लो कहाँ पर बाइक चला रहे हैं या फिर कहाँ पर बिजी हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, रिसीव नहीं होता है तो तुरंत आधा घंटा एक घंटा के अंदर कॉल 100% बैक होगा। बैक होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोगों का बैक नहीं होता, होता है क्या? नहीं करते। जब ऑफिस से कॉल भी किया जाता है तुरंत, अगर आप बिजी भी हो तो तुरंत बैक नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑलवेज अलर्ट रहकर ड्यूटी करना है, ठीक है। अगर अलर्ट नहीं रह सकते तो आप सिक्योरिटी प्रोफेशन के लिए बने नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि हम इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, हमें यहाँ पर काम होता है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना। मान लो कोई अगर पर्सन आ रहा है, उसको वहाँ पर एंट्री करना नहीं है, अंदर से कोई पर्सन आपको फ़ोन कर रहा है, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे, आपको पता नहीं वो पर्सन कौन आने वाला है, उसको एंट्री कर देते हैं, वो नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज अलर्ट रहकर ड्यूटी करना है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप सिक्योरिटी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। सेकंड आता है एक्टिवनेस। क्या सेकंड आता है? एक्टिवनेस। एक्टिवनेस मतलब क्या? दुनिया में अक्सर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक होता है रिएक्टिवनेस और दूसरा होता है प्रोएक्टिवनेस। रिएक्टिवनेस वो लोग होते हैं जो लोग जब प्रॉब्लम आते हैं तब एक्शन मोड में आते हैं, और प्रोएक्टिवनेस वो लोग होते हैं जब प्रॉब्लम आने से पहले ही उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो दो पर्सन को हमने एक जगह पर ड्यूटी दी है, कुल विनोद, गार्ड ए का नाम क्या है, गार्ड बी का नाम क्या है, विनोद। इन दोनों को हम एक जगह पर ड्यूटी दिए, कहाँ पे? एक जगह में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग में गार्ड ए को पेट्रोलिंग करने के रात को भेजे, पेट्रोलिंग करने के लिए रात में भेजे गार्ड ए को, गार्ड ए का नाम क्या है, आकाश, उसको पेट्रोलिंग करने के लिए भेजे। वो गया पेट्रोलिंग करने के लिए, ठीक है। जब पेट्रोलिंग कर रहा था तो फायर एग्जिट एक गेट होता है, बड़े बड़े कंपनी में फायर एग्जिट एक गेट होता है, उसके सामने में कुछ सामान पड़ा हुआ था। क्या सामान पड़ा हुआ था? कुछ सामान पड़ा हुआ था। वो क्या किया? उसी चीज़ को देखा, ठीक है, और अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दिया कि फायर एग्जिट गेट के सामने में कुछ सामान पड़ा हुआ है, एंड देन चला गया, ठीक है। उसका काम खत्म हो गया, किसका? गार्ड ए, मतलब आकाश का, ठीक है। सम उसी काम को हम गार्ड बी को भेजे, किसको भेजे? विनोद को, ठीक है। विनोद गया उसी जगह में, एग्जिट गेट के सामने, फायर एग्जिट गेट के सामने में कुछ सामान पड़ा हुआ था। वो क्या किया? अपना सुपीरियर यानी कि अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के साथ साथ वो अपना प्रोएक्टिवनेस दिखाते हुए अपना अगल बगल में जितने भी पर्सन थे उनको बुला के वो सामान को साइट किया। ध्यान से सुनो, वो सामान को क्या किया? साइट किया। साइट करने के बाद वो चला गया। दोनों काम किए, पहला कौन था? आकाश। क्या किया? वो बस इन्फॉर्म किया, चला गया। दूसरा पर्सन क्या किया? इन्फॉर्म करने के साथ साथ वो सामान को साइट किया, साइड किया। तो वो प्रोएक्टिवनेस ने काम किया। कैसे प्रोएक्टिवनेस ने काम किया? वो पता कर लिया कि अगर बिल्डिंग में फायर हो जाता है, अगर ये सामान सामने में पड़ा हुआ होगा तो लोग निकलने से, तो का काम बराबर था, लेकिन जो विनोद था वो अपना प्रोएक्टिवनेस दिखाया, लेकिन आकाश क्या किया? अपना मतलब कंफर्ट जोन में चला गया, इन्फॉर्म कर दिया, कंफर्ट जोन में चला गया। अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे, कंफर्ट जोन में चले जाएंगे इन्फॉर्म करके, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो प्रोएक्टिवनेस ने काम करना चाहिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में आता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको गेट में ड्यूटी दी है हम लोग, कहाँ पे? गेट में। गेट में दो पर्सन हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। गार्ड ए, नाम क्या है? आकाश। वो क्या किया? मतलब झगड़ा को देख रहा है, ठीक है। गाड़े क्या कर रहा है? झगड़ा को देख रहा है। झगड़ा बढ़ेगा, अगर झगड़ा वहाँ पर समाप्त नहीं होता है तो धीरे धीरे बढ़ेगा झमेला। झमेला बढ़ते 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 मेन गेट में बहुत सारा इकट्ठा हो गया, झमेला बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो मेन गेट में जब झमेला बहुत बड़ा हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आकाश ने क्या किया? कुछ रिएक्ट नहीं किया, साइलेंट हो गया। उसी टाइम हम अगर विनोद को ड्यूटी देते तो वो क्या करता? अपना सुपरवाइजर को तुरंत इन्फॉर्म कर लेता कि
मतलब गेट के सामने में दो पर्सन है जो कि ज़्यादा झमेला कर रहे हैं, आपस में झमेला हो रहे हैं, आप आओ। तो वो क्या करता, सुपरवाइज़र आके उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट वहीं पे कर लेता ताकि मेन गेट में कोई झमेला नहीं होता। तो आकाश ने क्या किया, साइलेंट हो गया, कंफर्ट जोन में चला गया। लेकिन विनोद ने क्या किया, अपना प्रोएक्टिवनेस को दिखाते हुए ऊपर इन्फॉर्म कर दिया ताकि वो प्रॉब्लम को आगे ना बढ़े। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। मान लो आपको एक जगह में हम लोग पेट्रोलिंग करने के लिए दिए हैं, बॉस ये मतलब ज़्यादातर कंपनियां में होता है, आप लोग के एक ऑफिस में हम भेजें, ठीक है, आकाश को हम लोग एक ऑफिस में भेजें, वो ऑफिस को राउंड मारने के लिए गया है, पेट्रोलिंग करने के लिए गया है। पेट्रोलिंग भी कैसे करते हैं आगे में बात करेंगे। आकाश ने क्या किया, पेट्रोलिंग करने के लिए गया है, तो मतलब कंप्यूटर वगैरह होगा, है ना। एक एम्प्लॉई ने क्या किया है, अपना एक कीमती चीज़ जो कोई भी हो सकता है, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, जो कोई भी एक कीमती चीज़ क्या किया है, अपना डेस्क में यानी कि अपना टेबल में छोड़कर चला गया, मतलब भूल के चला गया, ठीक है। आकाश ने क्या किया, जाके देखा, ठीक है, देख लिया, अपना सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दिया कि डेस्क में एक टेबल में ये सामान पड़ा हुआ है, जो कोई भी सामान हो सकता है, एक कीमती चीज़ है, वो सामान पड़ा हुआ है। वो देखा, अपना पेट्रोलिंग सीट होता है, बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, पेट्रोलिंग का एक पेपर होता है, पेट्रोलिंग सीट होता है, तो वहाँ पे क्या किया, वो लिख दिया कि ये सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो चला गया, ठीक है, उसका काम ख़त्म हो गया। सेम उसी चीज़ को हमने विनोद को दिए, ठीक है, वहाँ पे वो गया, जाने के बाद वो क्या किया, पहले देखा सामान कीमती वस्तु है, ठीक है, अपना दिमाग थोड़ा लगाया, अगर हम इसी सामान को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो सुबह जो पर्सन आएगा, अगर कोई अलग पर्सन आ जाता है तो अपना जेब में भर लेगा, ठीक है। तो अपना वो प्रोएक्टिवनेस को दिखाते हो, वो क्या किया, अपना सुपरवाइज़र को पहले इन्फॉर्म किया और पूछा कि सर ये कीमती वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर अगर रहता है तो कोई अगर दूसरा पर्सन अगर ले जाते हैं तो वो हमें बोलेगा, आप रात में पेट्रोलिंग करते हो, सामान को देखते हो, देखते नहीं हो, हमें कुछ इन्फॉर्म करते नहीं हो, ठीक है, बोलेगा नहीं बोलेगा, बोलेगा। तो वो क्या करता है विनोद, वो क्या करता है, सामान को पहले रिसीव करता है, ठीक है, लेता है, अपना पेट्रोलिंग जो सीट होता है ना वहाँ पर लिख देता है कि इसी टेबल में ये सामान था और ये मैं सामान को हैंडओवर करता हूँ, मतलब लेता हूँ, एंड सुपरवाइज़र को हैंडओवर कर देता है, ठीक है। और वो क्या किया, सुपरवाइज़र को हैंडओवर कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना, मैंने आपको तीनों एग्जांपल दिया। अभी जो एग्जांपल दिया टेबल वाला, पहला आकाश ने क्या किया, जाके देखा, चला गया, सुबह आएगा तो वो अपना जो सामान है वो रिसीव करके ले जाएगा, ऐसा सोच लिया। लेकिन विनोद ने क्या किया, अपना सामान को देखा, अपना प्रोएक्टिवनेस को दिखाते हुए वो क्या किया, सामान को लिया एंड सुपरवाइज़र को हैंडओवर किया। करने के बाद सुपरवाइज़र ने क्या किया, सुबह उसी चीज़ को मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हो गया, जो कोई भी जैसे भी मतलब कंपनी में फैला दिया कि किसी 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 का सामान ये पड़ा हुआ था और ये हमारे पास है, आके ले जाओ। तो सामने वाला ऑटोमेटिक आएगा, लेकर जाएगा, लेकर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। पहला मैंने आपको बोला, जब कभी भी आपको पेट्रोलिंग के ड्यूटी दिया जाता है, जब आकाश ने गया पहला फायर एग्जिट गेट के सामने में, जब सामान पड़ा हुआ था वो सामान को देखकर चला गया, ठीक है। जब विनोद ने क्या किया, अपना मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर ये फायर एग्जिट गेट के सामने में सामान पड़ा हुआ रहेगा, मान लो फायर हो जाता है, कोई कह नहीं सकता, हो जाता है तो लोगों को निकलने के लिए, ये सामान को हटाने के लिए लेट होगा तो लोग निकल नहीं पाएंगे, तो वो क्या किया, सामान को हटा लिया। फायर लग भी जाता है तो एटलीस्ट लोग तो निकलेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, गेट के सामने में कुछ झमेला कर रहे हैं, ठीक है, वो झमेला अगर बढ़ जाता है तो मेन गेट में ही झमेला होगा। माना कि वो कंपनी का झमेला नहीं है, वो आपस में झमेला कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का तो दिक्कत होगा ना, सामने में कैसे लोग आते जाते रहेंगे, अगर सामने में ही झमेला हो जाएगा, झमेला होगा तो पुलिस आएगा, फिर टेंशन बढ़ जाएगा, पूछताछ होगा। लेकिन विनोद ने किया क्या, उसी चीज़ को पहले से ही मतलब रिमाइंड कर लिया कि ऐसे हो सकता है, और अपना सुपरवाइज़र इन्फॉर्म किया, सुपरवाइज़र आके उसी चीज़ को पहले से सॉर्ट आउट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला, जब आपको पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा गया, एक ऑफिस में कुछ कीमती चीज़ था, जो कि आकाश ने क्या किया, उसी कीमती चीज़ को मतलब नज़रअंदाज करके वो चला गया, सुबह आकर वो पर्सन ले जाएगा बोला, सुबह आकर वो पर्सन लेगा या कोई दूसरा पर्सन लेगा उसको मालूम नहीं है, ठीक है। अगर गुम हो जाता है तो पहले तो वो सिक्योरिटी को बोलेगा, रात में तो सिक्योरिटी रहता है ना,
सिक्योरिटी को बोलेंगे, सीसीटीवी चेक करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बाद पता चलेगा ये पर्सन पेट्रोलिंग करने के लिए गया था लेकिन वो सामान को नज़रअंदाज करके चला गया। लेकिन सेकंड पर्सन ने क्या किया, उसी सामान को रिसीव करके अपना सुपरवाइजर को हैंडओवर किया। सुपरवाइजर ने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या फिर जैसे भी, वो कंपनी में बता दिया कि ये सामान हमारे पास है, आप लाके ले जाओ, ले जाओ बोल दिया। और कभी भी गलत इंसान वो सामान को रिसीव करने के लिए नहीं आएगा, सही इंसान ही आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ड्यूटी मिला है ना, ये क्वालिटी मेंटेन करो, थोड़ा एक्टिवनेस में ड्यूटी करो, रिएक्टिवनेस की तरह नहीं, प्रोएक्टिवनेस की तरह। मतलब जब प्रॉब्लम आए तब रिएक्ट करना नहीं है, पहले से थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे हम लोगों का काम कभी भी मिट्टी उठाना या फिर बालू उठाना या फिर कोई भी मतलब हार्डवर्क वाला काम नहीं होता, होता है क्या, कहाँ पर आपको बोला गया है क्या, नहीं बोला जाता है। यहाँ पे हम लोगों का काम होता है स्मार्ट तरीके से स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। जब भी हम ड्यूटी करते हैं वहाँ पे बहुत सारा लोग से हमें मिलना पड़ता है, बहुत सारा लोग से बात करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन से अच्छे से कम्युनिकेशन से बात करना है, जैसे कि रेस्पेक्ट देकर बात करना है। जो कोई भी हमारे पास आता है, जो कोई भी हमारे यूनिट में आ रहा है, हम फॉन्ट डेस्क में काम करते हैं, फॉन्ट में काम कर रहे हैं, कोई जानता नहीं, अगर आप नहीं पहचानते उसको जानते नहीं हैं, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल में आपको क्या करना है, रेस्पेक्ट देकर बात करना है। जैसे कि सर या फिर आज्ञा, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं, मतलब सामने वालों को आप बोलकर रेस्पेक्ट देकर बात करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का काम होता है लोगों को प्रोसेस समझाना। जैसे कि कोई पर्सन आया है, जैसे कि बहुत सारा कॉलेज में क्या होता है या फिर बहुत सारा मतलब ये फैक्ट्रियां में क्या होता है, पंचिंग सिस्टम होता है, कॉलेज में क्या होता है, एक ऐप भी होता है जहाँ पे एंट्री करके लोग जाते हैं, रजिस्टर होता है जहाँ पे लोग एंट्री करके जाते हैं। कोई नया पर्सन आता है तो उनको मालूम है क्या ये सारा प्रोसीजर के लिए, मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो वो लोग क्या करते हैं, सामने वाला जब आ रहा है वही पूछेगा। तो उसके साथ अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट देकर बात करना है, सर बोलकर बात करना, आप बोलकर बात करना है, अपना कम्युनिकेशन थोड़ा उसके साथ अच्छा रखना है, ठीक है। तो आप जब ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों को प्रोसेस समझाते हैं, ये करना है ये करना नहीं है। मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, रूल्स चेंज हो जाता है, स्टाफ लोगों के लिए भी रूल्स चेंज हो जाता है कभी कभार। जैसे कि सर्दी के मौसम में, यानी कि अभी ठंडा के मौसम में, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, अगर कंपनियां में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ओटी भी दिया जाता है, कभी कभार टाइमिंग भी चेंज होता है, होता कि नहीं होता है, होता है। तो उसी टाइम मीटिंग में जितना भी लोग होते हैं उन लोगों का मालूम होता है, जो मीटिंग में नहीं होता उन लोगों का मालूम नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग तो वो लोग अटेंड नहीं किए हैं तो उनको पता नहीं है टाइमिंग के बारे में। वो लोग जब आते हैं ना तो हमें उन्हें बात करना पड़ता है कि आपको इसी टाइम में आना है बोल करके। तो जब भी हम सामने में ड्यूटी करते हैं तो सामने वाला जो कोई पर्सन आते हैं ना, उनसे पोलाइटली बात करना है, फ्रेंडली बात करना है, सिंपल में बात करना है, कभी भी किसके साथ तू ता रे रा ऐसे टाइप का बात करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम एक ही तरह के अगर हम बोलेंगे तो हम फ्रंट डेस्क में रहते हैं, कोई पर्सन आते हैं तो पहले हमें मिलते हैं, ठीक है। अंदर में जो कोई पर्सन होते हैं ना, वो अंदर में हैं और हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने में, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे जो कोई भी जगह में, हम लोग सामने में रहकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सामने में अगर हैं हम तो पहले जो कोई पर्सन आते हैं तो हमें ही मिलेंगे, ठीक है। तो उनसे अच्छी तरीके से बात करना है और ऑलवेज कभी भी मतलब सामने वाले से कभी तूता बोलकर बात करना नहीं है, और एनी टाइम मतलब ऐसे रोबोट की तरह भी बात करना नहीं है। जैसे कि कई कई बार होता ऐसे है, मैं भी गया हूँ मतलब कुछ वो लोग समझाते नहीं हैं कि ये कंपनी में कौन है कौन नहीं है, क्या है क्या नहीं। हम लोग भी जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, बहुत सारे कंपनी हम लोग भी गए हैं, वो लोग प्रॉपरली समझाते नहीं है कि ये है ये नहीं है। तो सामने वालों को प्रॉपरली समझाना है, ठीक है। पहले तो उन लोगों को मतलब पूछना है वो लोग क्या करने के लिए आए हैं, किससे मिलने के लिए आए हैं, कौन से काम के लिए आए हैं, पूछना है और उसके हिसाब से उनसे बात करना है। जैसे कि कई कई लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, इंटरव्यू है या नहीं है पहले देख लो,
उसके बाद एचआर को फ़ोन करो, एचआर अगर परमिशन देते हैं तो उनको अंदर एंट्री करो। बहुत सारे लेबर काम करने के लिए आते हैं कंपनियां में, उन लोगों को पूछो। उन लोग कैसे पूछना है, आप बोलकर पूछना है, चाहे कम एज वाला हो या फिर ज़्यादा एज वाला हो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल में रहकर ड्यूटी करना है, ठीक है, मतलब लोगों से अच्छे तरीके से बात करना है, इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि मान लो आप अगर किसी पर्सन को अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, वो पर्सन हो सकता है कोई कंपनी का मालिक भी, ठीक है, कोई कंपनी का मैनेजर भी, कोई कंपनी का एचआर भी, आपको अगर वो अच्छा लगता है तो आपको वो कुछ और भी स्कोप दे सकता है। यहाँ से आप एज ए अभी सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, आपको कुछ अलग भी स्कोप मिल सकता है वहाँ पे ही, ठीक है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो। और अच्छा कब लगेगा, जब बात आप अच्छे से करोगे तब जाके, क्योंकि पहले हम बातों को ही देखते हैं। जब इंटरव्यू लिया जाता है तो पहले हम किसको देखते हैं, बातों को ही देखते हैं, उसके बाद ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल फिटनेस या फिर मेंटली फिटनेस। फिजिकल फिटनेस किसको कहते हैं, जब हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। आप लोगों का 12 घंटे का भी ड्यूटी है, 8 घंटे का भी ड्यूटी है, वो पॉइंट के हिसाब से ड्यूटी होता है। तो ऑलवेज थोड़ा फिट रहने के लिए कोशिश करें, कभी भी मतलब इधर उधर मत होइए, फिट रहने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ड्यूटी करना पड़ता है। जैसे कि बारिश के मौसम में ड्यूटी करना पड़ता है, ठंडी के मौसम में भी ड्यूटी करना पड़ता है, या फिर धूप के मौसम में भी ड्यूटी करना पड़ता है। तो अपनी बॉडी को थोड़ा चुस्त दुरुस्त रखना है। अगर बॉडी ठीक है तब जाके हम दिमाग काम करेगा, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए थोड़ा अच्छे से सुबह अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा व्यायाम भी कीजिए, ताकि अच्छे हेल्थ बने रहे, तब जाके हम काम कर पाएंगे। नहीं तो काम कर पाएंगे क्या, नहीं काम कर पाएंगे। तो बॉडी को थोड़ा ध्यान देना है, जैसे कि बॉडी फिट रहे, ताकि हम मेंटली फिट रह सकें, और मेंटली फिट अगर रहते हैं तब जाके काम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब क्या, ईमानदारी। क्या ईमानदारी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है सिक्योरिटी जो जॉब होता है, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहता है, बहुत सारा चीज़ हमारे ऊपर रहता है, रात में खास करके। रात में कोई पर्सन रहते हैं क्या ऊपर लेवल का पोस्ट, कोई कंपनी हो या फिर कोई भी मतलब हॉस्पिटल हो, जहाँ कहीं पे भी आप लोग ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे कंपनी का मालिक हो, एचआर हो, मैनेजर हो, इंचार्ज हो, कोई रहते हैं क्या रात में? नहीं रहते। रात में कौन रहता है? तो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि उल्टा पुल्टा काम, चोरी चकरी हो गया, कब होता है? रात को होता है। और कब होता है रात को? जब आप अलर्ट नहीं रहते, जब आप रिलैक्स मोड में होते, जब आप सो जाते हैं तब होता है। नहीं तो होता है क्या? नहीं होता है। आपके सामने में रहते हुए कोई पर्सन कोई सामान चोरी करके ले जा पाएगा क्या? नहीं ले जा पाएगा। और अक्सर ये चोरी चकरे वाले काम या फिर जो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज वाले काम कब होता है? रात में होता है, ठीक है। तो रात में हमें थोड़ा अच्छे से ड्यूटी करना है और प्रॉपरली ईमानदारी तरीके से ड्यूटी करना है। और कई कई बार क्या होता है, कुछ जगह में मैं देखा हूँ, सिक्योरिटी लोग भी सामने वाले से मिल के वो ऐसा काम कर लेते हैं। कैसा काम? चोरी वाला काम। तो ये सारा कुछ काम करना नहीं है, आज करोगे कल करोगे तीसरे दिन पकड़े जाओगे तो मार भी मिलेगा, नौकरी भी जाएगा, अंदर भी जाओगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो प्रॉपरली ईमानदारी से ड्यूटी करना है, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, लाखों करोड़ों का संपत्ति रहता है अंदर, होता कि नहीं होता है? होता है। तब जाके आपको वहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी दिया गया है, ऐसे नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है आपको ड्यूटी दिया गया है। कोई भी है, मतलब बेकार पैसा तो खर्चा नहीं करेगा ना, करेगा क्या? कुछ सामान है, कुछ आदमी अंदर हैं, उनको सुरक्षा देने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए हमें सामने में ड्यूटी दिया गया है और वो लोग अंदर हैं, है कि नहीं है? हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए वो लोग अंदर में चैन की नींद सोते हैं, सोते हैं ना। लेकिन कभी कभार वो लोग भी हमें टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपरली ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसी टाइम पर ही हम लोग पकड़े जाते हैं। ऐसा होता है टंका, होता है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रात के ड्यूटी के दौरान ऑलवेज अलर्ट रहकर ड्यूटी करो, ईमानदारी से थोड़ा ड्यूटी करो, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नहीं होता है? होता है।
तो प्रॉपरली ईमानदारी से ड्यूटी करना है, कभी भी कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना ही नहीं है। करोगे तो पकड़े जाओगे 100%। और कैसे पकड़े जाओगे, आप लोगों में ही कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि जाके बता देगा, होता है बहुत सारा जगह में ऐसा होता है, और उसको हमको निकालना पड़ता है। अगर हमारे बस की बात हो तो, अगर ऊपर चला जाता है तो और भी बहुत झमेला हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ऐसे ऐसे काम को कभी भी खुद को इन्वॉल्वमेंट करना नहीं है, ऐसे ऐसे काम को पहले से ही रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे हम अभी ड्यूटी करेंगे, ये चीज़ जो मैं बोल रहा है ये आपका क्वालिटी है, ये आपका हैबिट है। अगर ये चीज़ अपने अंदर डालोगे ना तो आपको सिक्योरिटी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए ये आपका काम आएगा। मतलब कैसे आप आगे बढ़ोगे, ये क्वालिटी आपके अंदर अगर होता है तो, जैसे कि पहले मैंने बोला अलर्टनेस, सेकंड मैंने बोला टाइम पंक्चुअलिटी, थर्ड मैंने बोला एक्टिवनेस, फोर्थ मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल, नेक्स्ट बोला मैं हनेस्टी यानी कि ईमानदारी, नेक्स्ट बोला मैंने आपको फिजिकल फिटनेस या फिर मेंटली फिटनेस। ये क्या है, आपके अंदर रहने वाला क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी आप मेंटेन करते हो, ये अगर हैबिट आप मेंटेन करते हो, तो आपको सिक्योरिटी प्रोफेशन में ये आगे बढ़ाने के लिए आपको काम आएगा। और ये चीज़ जिसके पास होता है ना, उसी पर्सन को ही आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है, उसी पर्सन को ही सिक्योरिटी प्रोफेशन में आगे प्रमोशन होता है, सैलरी इंक्रीजमेंट होता है। अगर प्रमोशन नहीं होता है तो सैलरी इंक्रीजमेंट होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैसा की वजह से काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ पैसा आएगा तो अपना लाइफस्टाइल अच्छा होगा, फैमिली का लाइफस्टाइल अच्छा होगा, इसलिए काम कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसे तो नहीं है कि ऐसे काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसे इधर उधर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ फैमिली का प्रॉब्लम है इसलिए हम काम कर रहे हैं, या फिर खुद को कुछ बनाना है तब जाके काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं CSS की बात करूँ, एक पर्सन है जो कि अभी आपका फील्ड ऑफिसर है ना, अभी यहाँ पे भी है, मेरे आने से पहले वो आपसे बात कर रहे थे। वो पहले जैसे सिक्योरिटी CSS में आए, वो पहले सिक्योरिटी में ज्वाइन किए, कौन सी पोस्ट में ज्वाइन किए, उसके बाद उनको हेड सिक्योरिटी में प्रमोशन मिला, कौन सी पोस्ट में, हेड सिक्योरिटी में, उसके बाद उनको सुपरवाइजर में प्रमोशन मिला, उसके बाद वो अभी ऑफिस में बैठा हुआ है फील्ड ऑफिसर के नाम पर, फील्ड ऑफिसर पोस्ट में, ठीक है। तो आपको भी प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन काम करोगे तब, अच्छे से काम करोगे तब जाके मिलेगा। जितना मैंने क्वालिटी बताया वो अपने अंदर में रखोगे तब जाके मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे काम करते हैं सिक्योरिटी में। जैसे कि हमें यहाँ पर बहुत सारा जिम्मेदारी मिलता है, और अलग अलग यूनिट का अलग अलग काम होता है, कहाँ पर भी सेम काम नहीं होता। जैसे कि हॉस्पिटल में और कंपनी में अगर काम की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हॉस्पिटल को कुछ काम अलग होता है, कंपनी का कुछ काम अलग होता है, और कहीं कहीं कंपनी में मतलब छोटा फैक्ट्री में अलग काम होता है, बड़ा फैक्ट्री में अलग काम होता है, होता है कि नहीं होता है। कहीं कहीं स्कूल में अलग काम होता है, कहीं कहीं हॉस्पिटल में भी अलग काम होता है, दूसरी जगह का अलग अलग काम होता है। ये यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सामने में क्या काम हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी जो होता है ना, ये बेस एक ही है, उसी काम को ही हमें करना है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, अगर हम सिक्योरिटी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो हम लोगों का ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम लोगों का काम क्या होना चाहिए, कैसे हम करेंगे, ये हम मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक से सुनो और इसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। जब कभी भी आपको मतलब जब आप ज्वाइनिंग किए होंगे, ये चीज़ के बारे में हमने आपको बताए होंगे कि इस प्रकार से आपको काम करना है बोल करके, ठीक है। तो हमें कैसे काम करना है, सबसे पहला पॉइंट है गेट कंट्रोल। कौन सा पॉइंट है, गेट कंट्रोल। आप लोग जहाँ पे भी ड्यूटी करते हैं वहाँ पे गेट होता है कि नहीं होता है, होता है, और गेट में अक्सर हमें ड्यूटी मिलता है, ज़्यादातर गेट में ही ड्यूटी मिलता है। तो गेट कंट्रोल में हमें क्या काम करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बोला अलग अलग जगह का अलग अलग काम होता है। जैसे कि हॉस्पिटल के मैं अगर बात करूँ तो गेट कंट्रोल में कुछ भी काम नहीं है, जो कोई भी पर्सन आते हैं सबको छोड़ना पड़ता है, पड़ता ही नहीं पड़ता है। किसको आप रोक सकते हैं, क्या नहीं रोक सकते। लेकिन कंपनी या फिर स्कूल की बात करूं तो किसी को भी एंट्री नहीं है, एंट्री है क्या, नहीं है। डिफरेंट समझ में आ रहा है, हॉस्पिटल में सबको एंट्री है गेट में, लेकिन कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई भी अपार्टमेंट में किसी को भी एंट्री नहीं है। अलग अलग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो गेट कंट्रोल में हमें क्या करना है, गेट को पूरा कंट्रोल करके रखना है। कैसे कंट्रोल करना है, जैसे कि गेट से कौन आएगा,
कोई पर्सन पर्सन तो आएंगे, या फिर कोई मटेरियल मटेरियल तो आएंगे, या फिर कोई व्हीकल या फिर कोई गाड़ी आएगा, व्हीकल या फिर गाड़ी, ठीक है। ये सारा चीज़ गेट से ही एंट्री होता है। जैसे कि मेन गेट में आपको ड्यूटी दिया गया है, मेन गेट में जो कोई पर्सन काम करते हैं वो पर्सन क्या करते हैं, पर्सन को एंट्री करते हैं, यानी कि अंदर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको एंट्री करने का जिम्मेदारी सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, रहता है ना, रहता है, रहता है। सिक्योरिटी के बिना परमिशन में कोई पर्सन अंदर जा रहा है आप लोगों को पता है, या फिर विदाउट यूनिफॉर्म में ड्यूटी करते हैं, करते हैं क्या, नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म में क्यों ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हम कौन सी पोस्ट में हैं हमें पहचान सके सामने वाला इंसान, तब जाके हम यूनिफॉर्म में ड्यूटी करते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल सॉरी, कोई अगर पर्सन चलते हुए आ रहा है, वो अगर पुलिस है तो कैसे पता करते हैं वो पुलिस है बोल करके, उसका यूनिफॉर्म को देख के, समझो, उसका यूनिफॉर्म को देख के। कोई अगर पर्सन BSF वाला आ रहा है, CRPF वाला आ रहा है, कोई पर्सन अगर IRB आ रहा है तो उसको यूनिफॉर्म को देख कर जानते हैं कि ये इस पोस्ट में है, ठीक है। सम कंडीशन, आप जब कंपनियां में, आप जब अपने यूनिट में काम कर रहे होते हैं, आपके यूनिफॉर्म को देखकर जानते हैं सामने वाला आप कौन सी पोस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको यूनिफॉर्म दिया गया है। और बहुत सारा मतलब स्टाफ लोगों का यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो अपना अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, कोई भी पता नहीं चलता कि कौन अकाउंटेंट में है, कौन ऑपरेशन में है, कौन लेबर है, कौन वर्कर, पता चलता है क्या, नहीं चलता। लेकिन आप लोगों को स्पेशल यूनिफॉर्म दिया गया किस लिए, क्योंकि आप लोग फंडेक्स में काम करते हैं, सामने में काम करते हैं, कोई पर्सन अगर आते हैं तो आपको यूनिफॉर्म को देखकर पता चले कि इसके साथ बात करूंगा, तब जाके अच्छा मतलब कुछ रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा, समझ मारे। इसीलिए आपको यूनिफॉर्म दिया गया है। तो ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है, ऑलवेज यूनिफॉर्म में रहना है। और जब आप यूनिफॉर्म में रहते हो ना तो प्रॉपरली इन करके रहना है, शूज लगाना है, अगर गर्मी के मौसम है तो कैप नहीं लगाने से भी होगा, लेकिन टोटल यूनिफॉर्म मेंटेन करना है। और जितने भी आप यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं ना, जैसे कि आप यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं तो ये बात को देखना, जैसे कि एक्स आर्मी लोग ये चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, ये जो है ना आपका ये लाइन और ये लाइन और ये बीच का लाइन, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप इन करते हैं तो ये सीधा होना चाहिए, और कलर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा ऐसा होना चाहिए। और ये होता है आपका शोल्डर, याद रखना, ये होता है आपका शोल्डर, ये होता है आपका लाइन गार्ड, क्या है ये, लाइन गार्ड, ये होता है आपका बेल्ट, ये होता है शूज और पैंट शर्ट, तो आपको मालूम है, ठीक है। कभी भी कोई पर्सन अगर पूछते हैं ये क्या है, ये होता है आपका शोल्डर, सारे सिक्योरिटी के पास होता है। ये जो रस्सी की टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या होता है, लाइन गार्ड, क्या होता है, लाइन गार्ड, सारे सिक्योरिटी को मिलता है। और इसके अंदर और एक चीज़ होता है, व्हिसिल, मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है। तो ये सारा चीज़ को यूनिफॉर्म में अटैच करके रखना है, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म पहन लिया, लाइन गार्ड नहीं है, शोल्डर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टोटल यूनिफॉर्म को अटैच करके रखना है, ठीक है। तो जब भी आप ड्यूटी करते हैं तो टोटल प्रॉपरली यूनिफॉर्म में रहकर ड्यूटी करना, विदाउट यूनिफॉर्म में कभी भी ड्यूटी करना नहीं है, ठीक है। और रात के ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट शूज में ड्यूटी करना नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम रात में ड्यूटी करते हैं तो हम लोग का काम क्या होता है, पेट्रोलिंग करने का काम होता है। ये चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आगे, पेट्रोलिंग का काम होता है। मान लो जब आप पेट्रोलिंग में राउंड करने के लिए गए होंगे, मान लो फॉर एग्जांपल रात में कोई सांप आकर क्या करेगा, काट लेगा, तो क्या होगा, मालूम है। इसलिए रात में अगर ड्यूटी के दौरान आप अगर शूज पहनोगे तो आपका ही सुरक्षा रहेगा, किसका सुरक्षा रहेगा, आपका लोगों का सुरक्षा रहेगा। बहुत सारा जगह में हम लोग जाके देखते हैं शूज पहनते नहीं है, तो ऐसा करना नहीं है। रात के ड्यूटी के दौरान या फिर डे के ड्यूटी के दौरान में शूज पहनकर रहना है और यूनिफॉर्म मेंटेन करके रहना है, ठीक है। कभी भी मतलब आगे इन हो गया पीछे खुल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी शोल्डर, बिना शोल्डर का यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, कभी भी बिना लाइन गार्ड का यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम मान लो गर्मी हो रहा है, हाथ को फोल्ड कर रहे हो, करो, नो प्रॉब्लम, कैप नहीं है, चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म मेंटेन होना चाहिए, इन होना चाहिए, शूज होना चाहिए, ठीक है। कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में ड्यूटी करना ही नहीं है, समझ में आ गया। तो सामने में विजिबल रहकर ड्यूटी करना है और यूनिफॉर्म में ड्यूटी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर मेंटेन। जिनको भी थोड़ा लिखना पढ़ना आता है उनको रजिस्टर मेंटेन करने की ड्यूटी मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती है। और रजिस्टर मेंटेन करना कहाँ पे होता है, गेट में होता है, कहीं कहीं जगह में होता है, कहीं कहीं जगह में नहीं भी होता, छोटा छोटा जगह में, और बहुत बड़ा बड़ा जगह में तो बहुत सारा रजिस्टर रहता है। लेकिन बेसिकली सिक्योरिटी प्रोफेशन में अगर हम रजिस्टर की बात करें तो तीन प्रकार का रजिस्टर होता है, कितने प्रकार का,
तीन प्रकार का। पहला होता है विजिटर रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर? विजिटर रजिस्टर। सेकंड होता है स्टाफ रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर? स्टाफ रजिस्टर। थर्ड होता है मटेरियल रजिस्टर। इन तीन प्रकार का रजिस्टर होता है, लेकिन सामने वाला इन तीन प्रकार रजिस्टर को ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जगह पर हम लोग देखते हैं कहाँ पर 10 रजिस्टर, कहाँ पर 15 रजिस्टर, कहाँ पर एक भी रजिस्टर नहीं है, कहाँ पर 5 रजिस्टर, ऐसे भी होता है। इसे तीन चीज़ को ही डिवाइड कर लेते हैं, इसे तीन रजिस्टर को ही डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला आता है विजिटर रजिस्टर। विजिटर मतलब कौन? सामने में जो आ रहा है वो विजिटर है, ठीक है। उनको क्या करना है? पहले पूछना है, ठीक है, किसको मिलने के लिए आए हैं, उसके बाद परमिशन लेना है, नेक्स्ट एंट्री करना है, नेक्स्ट छोड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सामने आ गया रजिस्टर में एंट्री करके छोड़ दिए। इसी विजिटर रजिस्टर को तीन चार प्रकार में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला आता है विजिटर रजिस्टर, सेकंड आ जाता है मतलब प्लम्बिंग वाले आते हैं तो प्लम्बिंग वाले का रजिस्टर हो जाता है, कोई अगर क्लाइंट आता है तो क्लाइंट का अलग रजिस्टर बना लेते हैं, कोई अगर मतलब सामान ये कोई अगर कंट्रेक्टर आ रहा है तो कंट्रेक्टर का और एक रजिस्टर बन जाता है। ऐसा बहुत सारा विजिटर रजिस्टर बन जाता है, लेकिन विजिटर रजिस्टर एक ही है, ठीक है। सेकंड आता है स्टाफ रजिस्टर। जितने भी स्टाफ आपके कंपनी में, आपके यूनिट में काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से एंट्री करते हैं? गेट से। गेट से एंट्री करते हैं, तो गेट में कौन रहता है? आप लोगों का काम क्या है? एंट्री करना, ठीक है। उन लोगों को एंट्री करके अंदर छोड़ना। कैसे एंट्री करोगे? आपको ट्रेनिंग लेना है, कोई भी गलत सलत एंट्री करना नहीं है। जैसे कि कोई पर्सन अगर आते हैं तो गेट से ही एंट्री करेंगे, गेट से अगर एंट्री कर रहे हैं तो उन लोगों का प्रेजेंट जो है गेट में ही पड़ता है। आजकल तो फिंगर इंप्रेशन भी आ गया या फिर फेस स्कैन भी आ गया, उसको स्कैन करके वो लोग अंदर जाते हैं, तब जाके उन लोगों को प्रेजेंट पड़ता है। एंड उसके साथ साथ रजिस्टर भी मेंटेन होता है, और इसी रजिस्टर को बेस करके उन लोगों को सैलरी दिया जाता है। मान लो कोई पर्सन अगर ड्यूटी किया है, आप लोग अगर मिस्टेक से ही क्यों ना हो, आप लोग अगर उसको ऑब्सेंट कर लिए हैं तो उसको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलता, क्योंकि लास्ट में सिक्योरिटी जो एंट्री किया है ना उसको ही देखा जाता है, उसी बेस से ही मतलब ड्यूटी को काउंट करके उसी बेस से उनको सैलरी मिलता है। जैसे कि आप सब लोग काम कर रहे हैं, आपका जहाँ पर भी वो कोई सीनियर अगर है, बड़ा यूनिट है जहाँ पर 5-10-15 आदमी काम कर रहे, तो वहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ अटेंडेंस सीट दिया गया है। वहाँ पर जो सुपरवाइज़र भेजता है उसको ही हम कैलकुलेट करके लास्ट में सैलरी भेजते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आदमी है, और आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर ज़्यादा आदमी है तो पहले तो सिक्योरिटी को अटेंडेंस दिया जाता है, उसके बाद ही अंदर अटेंडेंस मेंटेन किया जाता है। तो सिक्योरिटी का अटेंडेंस फर्स्ट प्रिफर किया जाता है। तो आपको कोई भी गलत सलत एंट्री करना नहीं। अगर नहीं जानते हो तो अपना सुपीरियर को पूछो, अगर सुपरवाइजर नहीं तो इंचार्ज को पूछो, अगर इंचार्ज नहीं है तो सामने में आपको जो कोई भी सीनियर उनको पूछो कैसे मेंटेन करना है। ज़्यादातर ऊपर में हेडिंग दिया होता है, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, ऊपर में हेडिंग दिया जाता है, कैसे मेंटेन करना आपको देखकर ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी स्टाफ रजिस्टर में कोई भी गलत सलत एंट्री करना नहीं है। और स्टाफ रजिस्टर भी ज़्यादातर बहुत सारा हो जाता है, जैसे कि बहुत सारा कंपनी में बहुत सारा कंट्रेक्टर होते हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट में आदमी काम करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक रजिस्टर बन जाता है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट का एक रजिस्टर बन जाता है, लेबर डिपार्टमेंट का एक रजिस्टर बन जाता है, लेकिन ये जो है ना ये स्टाफ रजिस्टर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मटेरियल रजिस्टर। अगर कंपनी में काम हो रहा है, अगर जहाँ कहीं भी काम हो रहा है तो रॉ मटेरियल आएगा, सामान बनने के बाद मटेरियल भी बाहर जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए एक मटेरियल रजिस्टर होता है, इन रजिस्टर और आउट रजिस्टर होता है कि नहीं होता है? होता है, खास करके कंपनियों में होता है। तो वहाँ पे हमको मेंटेन करके छोड़ना पड़ता है। जैसे कि कोई अगर सामान आता है तो पहले हम लोगों का काम होता है चेक करना, वो अगर बिल देते हैं तो बिल को पास करना, अंदर में व्हाट्सएप में या फिर जो कोई भी में उन अंदर में इन्फॉर्मेशन देना, अपना मतलब जो कोई भी सुपीरियर है, जो कोई भी ऊपर में जो काम कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना, उसके बाद उसको एंट्री करना। जैसे कि छोटे छोटे जगह में अगर मैं बोलूं तो खास करके डिलीवरी बॉय आते हैं तो पहले मतलब नाम देखकर छोड़ देना नहीं है, अंदर पूछना है कि सामान आया है सर, छोड़ें या फिर गेट में रिसीव करें, ठीक है। वो जो बोलेंगे उसी प्रकार से काम करना है। तो कोई भी मटेरियल को बिना एंट्री, किसी भी एंट्री या फिर एग्ज़िट करना ही नहीं है, पहले एंट्री करना है, उसके बाद एंट्री या फिर एग्ज़िट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेट्रोलिंग। रात में ड्यूटी करते हैं तो रात में हम लोगों का काम क्या होता है? पेट्रोलिंग करने का काम होता है। पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है? आपको जितना भी पॉइंट दिया गया होगा,
जितना भी जगह दिया गया होगा उसी जगह को घूमने का काम होता है। होता है घूमने का मतलब नहीं कि घूम के चले आना है, टोटल ऑब्जर्व करना है कहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है क्या, क्योंकि रात में ही सारा कुछ झमेला होता है और रात में ही पेट्रोलिंग करने का काम होता है। रात में कोई मूवमेंट नहीं होता या फिर रात में कोई मटेरियल नहीं आएगा, ज़्यादा काम आएगा, लोग नहीं आएंगे, इसलिए रात में पेट्रोलिंग का काम होता है। तो पेट्रोलिंग का काम क्या होता है, अंदर जाके घूमना, टोटल ऑब्जर्व करना, कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कुछ अननोन पर्सन को देख रहे हो क्या, कहाँ पर अगर कुछ लाइट नहीं जल रहा है तो लाइट को जलाना है, अगर फ्यूज हो गया है तो इन्फॉर्म करना है ताकि रिपेयर हो सके, कहाँ पर अगर कोई खिड़की खुला है तो बंद करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नाइट में होता है पेट्रोलिंग में। और जब कभी भी आप पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं तो शूज पहन कर जाया करो, कभी भी विदाउट शूज में पेट्रोलिंग के लिए मत जाया करो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्नैक तो दूर की बात, वो होगा या नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है, कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो अंदर में हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट में जब कभी भी आप पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं तो शूज पहन कर जाया करो, एंड थोड़ा दिमाग लगाकर जाना है, ऐसा नहीं है कि ईयरफोन लगा दिए हो गाना बज रहा घूम कर चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बड़े बड़े यूनिट में एक एक हम लोग अभी एक पेट्रोलिंग रजिस्टर भी देंगे, या फिर सामने वाले को बोलेंगे ये पेट्रोलिंग रजिस्टर दो बोल करके, वो लोग पेट्रोलिंग रजिस्टर में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम हुआ था बोल करके, रात में खास करके बड़े बड़े यूनिट हैं जहाँ पे 10 12 15 आदमी है वहाँ पर देंगे, छोटे छोटे यूनिट में नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फायर एंड सेफ्टी, कहाँ पर भी अगर आग लग जाता है तो आग को बंद करने का काम भी सिक्योरिटी के ऊपर रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो आग को बंद करने के लिए, आग को बुझाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, रहता है एक लाल सिलेंडर होता है, देखे होंगे कंपनियों में होता है, वो फायर एक्सटेंशन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए में हम आग को बंद करते हैं, आग को बुझाते हैं। इसके ऊपर भी हम कभी बात करें, किसी मीटिंग में बात करेंगे कैसे, मतलब कौन सी आग को कैसे बुझाना है, जैसे कि आग क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे मतलब उसको हम बंद करेंगे, अगर ज़्यादा होता है तो फायर ऑफिस वाले आकर उसको बंद करते हैं, करते हैं। और ये अधिकतर क्या होता है, जहाँ पर बड़े बड़े मशीन लगा हुआ है उसी जगह में फायर होता है, ऐसे छोटे छोटे जगह में फायर नहीं होता। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी प्रोफेशन मैंने आपको बोला डिफेंस में जाता है, हम लोग फौज की तरह काम करते हैं, हम लोगों का काम होता है सुरक्षा देना, तो यहाँ पे हमें रेस्पेक्ट भी सामने वालों को उसी प्रकार से देना है जैसे कि सैल्यूट करके जय हिंद सर सिखाया जाता है, आपको बताया भी जाता है, यूनिट में भी आपको बताया जाता है, कोई भी पर्सन आते हैं जब आप यूनिफॉर्म में हो, जब आप यूनिफॉर्म में नहीं हो सिविल सैल्यूट कर सकते हो, टाइम के अनुसार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कह सकते हो या फिर नमस्कार जो कुछ भी कह सकते हो, बट जब यूनिफॉर्म में हो तो सामने वाला को रेस्पेक्ट दोगे कैसे, सैल्यूट करके जय हिंद सर, रेस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला भी आपको रेस्पेक्ट देगा, आपको अच्छा समझेगा। अगर छोटा मोटा गलती भी आपका होता है तो कभी भी हमारा तक कंप्लेन नहीं आएगा, वो लोग क्या सोचेंगे नहीं ये अच्छा लड़का यार छोड़ो, गलती तो होता है इंसान से गलती होता है, समझेंगे नहीं समझेंगे, समझेंगे जब आप रेस्पेक्ट दोगे तब। लेकिन अक्सर क्या होता है, कोई अगर आदमी आ रहा है, कोई अगर सीनियर पर्सन आ रहे हैं तो बैठे रहते हैं, तो वो लोग क्या सोचेगा, कहाँ का टेंशन आके आपके ऊपर डाल देगा, होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर आप सामने में कोई पर्सन अगर तुरंत खड़े होकर सैल्यूट मार दिया ना, वो खुश हो जाएगा, वो टेंशन भूल जा भी जाएगा, होता ही है। तो सामने वाला को रेस्पेक्ट दिया करो, तब जाके आपको रेस्पेक्ट मिलेगा और आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हनेस्टी, जैसे कि मैं पहले बोला था हनेस्टी, हनेस्टी मतलब क्या, ईमानदारी, प्रॉपरली ईमानदार में रहकर ड्यूटी करना है, कभी भी कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब क्या, शांति श्रृंखला रक्षा करना, अपना यूनिट में कभी भी इनडिसिप्लिन करना नहीं है। और इनडिसिप्लिन कब होता है, जब आप नशा करके आते हैं या फिर नशा करने वाला इंसान को जब हम अंदर घुसाते हैं, अंदर एंट्री करते हैं, तब जाके इनडिसिप्लिन होता है, होता है कि नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे कहाँ पर अगर कोई झमेला चल रहा है तो जो नशा किया है ना उसका ही ज़्यादा बड़बड़ाता है, मतलब नहीं किया है प्लान है वो कुछ नहीं बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं, वो समझ जाएगा कि ये प्रॉब्लम हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन जो नशा किया है ना वो ज़्यादा बात बोलता है,
उसको हम कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ बोलेंगे तो वो हमारे ऊपर ही ऑर्डर चलने लगेगा, ठीक है। तो कभी भी ड्यूटी के दौरान खुद को तो नशा करना नहीं है, तो और सामने वाला को भी कराना नहीं है, मतलब करा के एंट्री करना नहीं है। कोई अगर सामने वाला नशा करके आया है तो उसको तुरंत गेट से ही निकाल देना है। अगर वो अंदर एंट्री करेगा तो झमेला होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसी झमेला को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें ही बुलाया जाएगा अंदर, टेंशन, ठीक है। अंदर में फिर से पूछा जाएगा अगर वो नशा करके आया तो क्यों छोड़ा, आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर नशा करके आते हैं तो अंदर छोड़ना नहीं है। अगर वो जाना इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी है, तो उसका जो इंचार्ज रहेगा ना, उसको पूछो कि ये नशा करके आए, छोड़ूँ या ना छोड़ूँ। वो अगर परमिशन देते हैं तो छोड़ना है, अदर छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर हम खुद नशा करके आएंगे तो सामने वालों को मना कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नशा करने की आदत है तो 2-3 दिन छुट्टी लेकर नशा करना है, ठीक है। तो कभी भी ड्यूटी के दौरान नशा करना नहीं है, समझ में आया? क्योंकि अगर नशा हम करेंगे तो अपना दिमाग काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करेगा। सामने वाला कौन है क्या नहीं है, किस चीज़ के लिए आया है, उसके साथ हम कम्युनिकेट ही कर नहीं पाएंगे तो क्या काम करेंगे? उसके बाद हमारे नाम पर ही कंप्लेन आएगा, वो सामने वाला ही कंप्लेन करेगा कि ये नशा करके आए। हम खुद क्या, मतलब सामने वालों क्या मना करेंगे? वो सामने वाला भी बोलेगा तू तो खुद नशा करता है, तो मुझे क्यों मना कर रहा है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। तो डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में ड्यूटी करना है, ठीक है। कभी भी नशा करना नहीं है, ठीक है। और हम फंड एग्जीक्यूटिव में काम करते हैं तो फंड में जो कोई पर्सन आते हैं तो पहले हमें मिलेंगे, ठीक है। तो उनके साथ पोलाइटली बात करना है, डिसिप्लिन से बात करना है, जैसे कि लगे एक सिक्योरिटी गार्ड से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम भी जब जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सामने वाला कुछ अच्छे से बात नहीं करते तो हम भी समझते हैं कि सिक्योरिटी मतलब हमारे काम को डिले कर रहा, लेट कर रहा है, वो अच्छे से देखते नहीं है, ये रियलिटी बात है। में ऐसा होता है कि जब हम प्रोसेस समझाते हैं सामने वाला समझते नहीं है, लेकिन हमको दोबारा समझाना है। जैसे कि कहीं कई जगह में एंट्री करने के लिए, अंदर जाने के लिए रजिस्टर मेंटेन होता है, कहीं कई जगह पर ऐप भी मेंटेन होता है कि ऐप में एंट्री करके जाना पड़ता है, कहीं कई जगह पर बैग भी चेकिंग होता है, होता कि नहीं होता है? होता है। तो बैग को चेकिंग करना है प्रॉपरली, ये सारा कुछ जितना भी काम होता है ना गेट में, ये सारा काम प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ करना है, विदाउट डिसिप्लिन में करना नहीं है या फिर इनडिसिप्लिन में करना नहीं है। तो ये सारा चीज़ होता है एक सिक्योरिटी पर्सन का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आया कि नहीं आया? ये काम अगर आप अच्छे से करते हैं, अपने अंदर अगर आप अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और जो कोई मैंने हमने बोला ड्यूटी के बारे में उस काम को अगर अच्छे से आप करते हैं, तो आपको सिक्योरिटी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए कोई पर्सन नहीं रोक सकता। चाहे आपका यूनिट में कुछ प्रॉब्लम हो या अलग यूनिट में प्रॉब्लम हो, चाहे आपका यूनिट में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, तो आपको कोई दूसरा यूनिट में शिफ्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आप अच्छे हो, अच्छे आपका अच्छे काम कर रहे हो, तब जाके शिफ्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो शिफ्ट नहीं किया जाएगा, आप उधर ही रोके रहोगे, ठीक है। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, मान लो कहाँ पर अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपका जो सामने वाला मालिक है, जो कोई पर्सन हो सकता है, आपको निकालेंगे क्या? चांस ही नहीं है, नो चांस, कभी नहीं निकालेंगे। हम निकालना चाहेंगे भी वो नहीं निकालेंगे, हम वो सामने वाला हमें मना करेंगे तो निकालना है तो सर सब लड़का को निकाल ले, लेकिन उस पर्सन को यहाँ पर ड्यूटी दो, ठीक है। मान लो हम भी मालिक हैं तो हम भी चाहते हैं हमारे सामने जो भी इंसान है वो अच्छा इंसान हो, चाहते कि नहीं चाहते हैं? जैसे कि हम लोग अभी एक एम्प्लॉई एक सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, मान लो हम अगर खुद एक सिक्योरिटी रखते तो उसी सिक्योरिटी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते, उसी चीज़ को हम सोचो आप लोग, और उसी के बेस में आप लोग काम करो, समझ में आ गया नहीं आया? जैसे कि मान लो आप मालिक हो, आपके अंडर में एक सिक्योरिटी है, ठीक है, आप अभी सिक्योरिटी पोस्ट में काम कर रहे हैं, आपके अंडर में एक सिक्योरिटी है, तो आप उसी सिक्योरिटी से आप क्या चाहते हो, ठीक है, उसको थोड़ा दिमाग में लगाओ। आपके मालिक भी आपसे वही चाहता है, ठीक है। अगर आप उसी चीज़ को अच्छे से करोगे तो आपको कोई भी एजेंसी आए या फिर कोई भी आदमी आए आपको निकाल नहीं पाएगा, एजेंसी आकर चेंज भी हो जाएगा लेकिन आप वहीं पर रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से काम करो, तो जितना भी मैंने बातें बताया आपको समझ में आ गया ना, तो अच्छे से काम करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम पर आओगे, हाँ, अलर्ट रहोगे, रात में सो जाओगे, हाँ, टंको सो जाओगे,
अभी क्या हुआ है, आपको रात में फोन जाएगा, ठीक है, फोन जाता है, जाता है ना, पहले फोन में ही आपको रिसीव करना है, 15 दिन में एक बार आपको रात में फोन जाएगा, ठीक है। रिसीव नहीं करोगे तो उस दिन टोंका स्लीपिंग हो जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है।